म अलकुम आज जो मैं बात करूंगा वो है पख्तून के मरूफ़ शायर रहमान बाबा आपको याद होगा कि पिछले दिनों रहमान बाबा बहुत ख़बरों में आए थे वैसे सूफ़ी तो हमेशा दिलों में रहते हैं और इस समय ये खबरों में आए इसलिए कि कुछ ना हंजार लोगों ने और कुछ दहशत गर्दों ने और कुछ इंतहा पसंदों ने उसके मदार पे बमबारी की लाहौर में भी जो कुछ हुआ आपको पता ही है बजात ख़ुद ये जो कभी अमल है ये गुनाह कबीरा जो है ये इस रद्द अमल का नतीजा है कि इतहा पसंद और महबी जनूनी ये समझते हैं अन इस्लामिक वाले लोग जो कर रहे हैं वो सूफिया उसके ख़िलाफ़ हमेशा से रहे हैं बुनियाद प्रस्सी के और मजहबी असबियत के चुनाचे जाहिर है कि वो एक जो आइडिया है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं स्कूल ख़त्म करना टेलीविज़न ख़त्म करना ख़वान पर म करना रेडियो ख़त्म करना रोशन ख्याली और लिबरलिज्म की कोई चीज़ भी ख़त्म करना ये तो वो करते ही हैं करते हैं लेकिन ये ऐसा बड़ा कभी अमल था जिसका सारे पाकिस्तान में हर सतह पर एहताज़ किया गया इसलिए एहतजाज किया गया कि रहमान बाबा पख्तून का के बहुत ही मकबूल सूफी शायर हैं वैसे तो सभी बहुत मकबूल होते हैं इसमें कोई ग्रेडेशन तो हो नहीं सकती कि कोई कितना कबूल है कितने फ़ीसद है कोई कम है सभी बहुत मकबूल है सभी दिलों में दस्त सभी सांसों में बसते हैं धड़कनों में बसते हैं लेकिन इनका एक ख़ास और तरीके से मशहूरी भी है कि इनकी चीज़ों को लोग बैठ के हलकों में गाते हैं ढोलक पे गाते हैं और उसके अलावा इनके जो इश्किया चीज़ें हैं जो कि बहुत सी हैं उनको मुख्तलफ़ किसान खासकर देहातों में वो एक दूसरे को सुनाते हैं तो इसलिए वो बहुत ही मरूफ़ हैं खुशहाल ख़ान खटक अपनी जगह बहुत ही मरूफ थे लेकिन उनका थोड़ा रंग अलग है क्योंकि वो जदोजहद करने वाले अमली तौर पर थे कि जो जिन्होंने मुग़लों के ख़िलाफ़ ख़ुद लड़ा वो मैं बात करूँगा बाद में रमान बाबा का जो दौर है ये 1650 से लेकर 1709 तक है ये बहुत ही अहम दौर है बरसर में इसलिए कि इस दौर के आखिर में 1660 से लेकर 1707 तक जब औरंगजेब आलमगीर की हकूमत ख़त्म हुई हुक्मरानी ख़त्म हुई ये बहुत ही तसब के हवाले से और जुनून के हवाले से बहुत ही खौफनाक ज़माना था क्योंकि कई और भी शायरों में ये जिक्र आया है सुल्तान बाहू के शायरी में ये ज़िक्र आया है और रहमान बाबा के भी जिक्र आया है कि जो उस मुग़ल बादशाह ने नुकसान पहुंचाया मुग़ल हुकुमरानी को अपने जुल्म से अपनी बरबरीत से कि आप सबको पता ही होगा कि बाप को जेल में रखा शाहजहान को वो अंधा हो गया अपनी बेटी को उसने पसे जिंदा डाल दिया अपने भाइयों को शाह मुराद को कत्ल कर दिया दारा शिकों को कत्ल कर दिया शाह शुजा को कत्ल कर दिया कहने को तो लोग कहते हैं कि जी बहुत ही सादा बंदा था जनाब वो अपने हाथ से कपड़े सीता था ये तो कोई बात नहीं कि अपने हाथ से कपड़े सिए उसी हाथ से अपने भाइयों को कत्ल करें ये तो कोई मंतक की बात नहीं है चुनाचे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर शाहजहान के बाद अगर दारा शिको आता तो बहुत ही मुख्तलिफ हालात होते क्योंकि कुछ रवादारी होती उसका अपना भी तस्वुफ से ताल्लुक़ था मियाँ मीर से उसका ताल्लुक था सकीीनात लाउलिया में उन्होंने लिखे आप अगर पढ़ी हो कुछ इसलिए ये हुक्मरानी जो थी इस दौर की वो तस्व पर बुनियाद रखती थी उसमें रहमान बाबा बहुत ही शरी ज़बान पोट पैदा हुए वो जैसे कि दूसरे शायर बहुत ए, इस मामले में पढ़े लिखे होते हैं कि उनके पास कोई फॉर्मल डिग्रीज़ तो नहीं होती हैं लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं बहुत इल्म और ज्ञान होता है उनके पास ये भी फ़ारसी में इनकी बैकग्राउंड थी पश्तो अरबी सारी जुबानों में ये पढ़ा लिखा और दूसरा ये कि इन्होंने मुख्तलफ जो अशनाफ़ होती हैं तहरीर की सफन की इन्होंने फ़ारसी में और जो लिखा गज़ल लिखी कुछ थोड़ी बहुत और दूसरी जो चीज़ें वो मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा और जैसे कि मैं अभी एक एक्सर्ट आपको सुनाता हूं कि पश्तूनों के, के हुजरों में रबान बाबा रबायात से देहाती फनकार रुबाब और घड़े के साथ अपनी मौसीकी महफलों का आगाज़ करते हैं रुबाब आपको पता है बहुत ही मशहूर साज है और ये आया था सेंट्रल एशिया से ये जो हमारे ऊपर हुकूमत करने आए हमलावर मुग़ल से या दूसरे थे उ उनके साथ जो तयफे होते थे वो भी रबाब होता था रबाब अब भी जाएं तो जो सेंट्रल एशिया के मालिक उन में उनमें रबाब अब भी इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ तो अब तकरीबन ये ख़त्म हो चुका है और घड़े के साथ अपनी मौसीकी के महफलों का आगाज़ करते थे तो दूसरी तरफ़ मस्जिदों के खतीब भी अपने खुतबों में रहमान बाबा के आरिफाना कलाम का सहारा लेने पर मजबूर हैं मजबूर हैं और सबका रियासत सवाद के रूहानी पेशवा बाबा जी अब्दुल गफ़ूर साहब के कहने के मुताबिक के रहमान बाबा के कलाम से इस्तः इस तरह ही किया जाता है कि जैसे बहुत ही किसी ऐसी किताब से हो कि जो लोगों की दिलों में लिखी गई हो दूसरा ये कि इन बड़े सूफी शौरा की बहुत सी चीज़ें जो थी वो जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ कि तो वो सीना बसीना चलती थी उन्होंने मुझे सुनाई मैंने किसी को सुनाया उसमें बाज़ा थोड़े मुबालगा भी होता था तहरीफ भी होती थी तो इसलिए वो इतना हम थोड़ा जो होता है लेटिट्यूड वो थोड़ा हमें सूफ़ी बैस के बारे में देना पड़ता है लेकिन देखना ये होता है कि मजमू तसर जो है वो तसर क्या है मिसाल के तौर पर ये इश्क तख्लीक के कायनात का सिर राज इश्क सर चश्मा हयात है जहाँ इनमें बहुत ही एक गनाइत मोसीकीत और जो एक फ़ारसी पोइट्री का एक असर था इसी हवाले से उसमें हसन इश्क और जो इनके मेटाफर्स मेटाफर्सम्बलीस सी वो बहुत इसी हवाले से अब ये इश्क तख्ली कायन कर सकतेश्क जो दुनिया बनी है ये इश्क ही का कमाल है अब इस एक शेर को आप किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं इसमें आप तस्वफ़ के हवाले से खुदा की जास से कि किश्क खुदा के साथ वही बात के हमाउस वादतुल वजूद या फिना फिल्ला और आ, इश्क अगर आप दुनियावी इश्क लें तो उस हवाले से भी आप इसके बारे में ये कह सकते हैं तो मसलन और इनका एक ये था कि इनके अंदर भी एक बगावत का जज्बा था और बगावत थी वहाँ के बड़े बड़े जागीरदार खान वडेरे जो कि हर सूफ़ी पोइट की होती है कुछ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं कुछ अपने लोकल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ते हैं ये ये मुनासिब और इनामात सब जाल और फंदे हैं रमान बाबा कहते हैं कि ये जो ओदे हैं और ये जो इनाम हैं ये जो वार्ड्स हैं ये तो सारे फंदे होते हैं फंदे कौन फंदे ये किसके हाथ में होते हैं जाहिर है कि हुकुमरानों के हाथ में इस्टेब्लिशमेंट में हाथ के जब इस्टैब्लिशमेंट या हुकुमरान ने किसी शख्स को ग़ुलाम बनाना होता है और अपने स्टेटस को को मजबूत कराने करने के लिए उसकी मदद चाहिए होती है अपनी क्रेडिबलिटी की तो वो इस किस्म के फंदे जो हैं वो देते हैं या तो वो अवॉर्ड देते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लो मराहत देते हैं सहूलतें देते हैं अगर ना करें तो उनके पास फिर दूसरे हरबे होते हैं जो कि फैशिस्ट होते हैं जुल्म के होते हैं रिप्रेशन करते हैं फिर वो चुनाचे ये दोनों पैरेलल मतवाजी चलते हैं इश्क आशिक के लिए खुदा की तरफ से एक अता है ये ना ख़रीदा जा सकता है और ना फरोख्त किया जा सकता है इश्क आशिक के लिए ख़ुदा की तरफ से एक बख्शिश है ये हर किसी पर जाहिर नहीं हो सकती ये जो जाहिर होना होता है वाशगाफ़ आशकार होना किसी चीज़ का ये हर चीज हर एक पे नहीं होता है बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उन्हीं पे आश्कार होती हैं कि जिनको ये समझते हैं कि मैं आश्कार होना है कि फूलों की काश कर फूलों की काश कर ताकि तेरा वतन गुलो गुलजार हो जाए कांटे बोनों से बाज रहो तुम्हारे पाँव में चुप जाएंगे कि ये बाहर तो यही है कि भाई आप फूलों की काश करो कांटे तो मैं ख़ुद छुप जाएंगे, लेकिन फूल काश करना बजात खुर सिर्फ फूल नहीं है फूल तो एक मेटाफर है एक इस्तारा है एक शाइस्तगी का और एक खुशबू का और खुशबू वो कि जिसका तल्लु इंसानियत से होता है सो so, और वो कहता है कि अगर तुम कांटे बोगे तो वो खुद तुम्हारे अपने पाँव में ही चुभेंगे क्योंकि ये जो नेमसिस होता है जिसे अंग्रेज़ी में उसका एक अपना प्रोसीजर एक अपना प्रोसेस होता है वो कभी न कभी नेचर कुदरत उस चीज़ का बदला हमेशा ले के ही रहती है दूसरों के रास्ते में गड़ा या कुआं खोदोगे तो उस रास्ते से देखो कि तुम भी गुजर सकते हो और गिर भी सकते हो मानवी लिहाज से आदम की औलाद जिसम और सूरत के लिहाज से एक ही है जो दूसरों को ज़र्र पहुंचाता है वो ख़ुद आजार पाता है टूटे हुए बर्तन की आवाज़ कब साबित होती है हर शख्स के अमल का इजहार उसकी गुफ्तार से हो जाता है कि आप किसी बंदे को किसी शख्स को उसके किरदार को उसके पर्सनैलिटी को इस तरह वेल्यूट करते हैं कि वो उसका कैसे बोलता क्या है और उसका इजहार किस हद तक शाइस्त है गैर शाइस्त है और उससे आप एक आदमी की परख हो सकती है अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई से पेश आए तो तुम खफा ना हो क्योंकि जो द्रख्त फलदार होता है उसी को संसार किया जाता है ये कितनी अहम बात है कि जो फल से भरा दरख्त हो बार और, और जिस पे फल लगा हो उसी पे पत्थर मार के लोग फल को गिराते हैं इसलिए इसकी तू प्रवाह मत किया कर इस तरह मसल नेकोकारों को हमेशा बदकारों ही सी तकलीफ उठानी पड़ती हैं क्योंकि नरम लकड़ी को जल्द ही कीड़ा लग जाता है ये देखिए इतनी हिकमत की बातें और छोटे छोटे लफ्जों में खूबसूरत उनकी डिक्शन ये डिक्शन वाले लोग थे ये डिक्शनरी वाले लोग नहीं थे रॉबर्ट सैमसन एक बहुत ही मरूफ प्रोफेसर थे उन जो पहले ओरिएंटलिस्ट हैं, मुस्तरक मुस्तरक उन्होंने ये उनका एक तर्जमा अंग्रेज़ी में है टू दिस डे अब्दुलरहमान बाबा रिमेन द तो मोस्ट पॉपुलर पोइट ऑफ द पख्तूनस His poetry finds a voice in the daily lives of Pakhto speakers worldwide and is enthusiastically recited to open public events, to drive home a message in the mosque, and as the authoritative word to settle a discussion in the Hujra. Rahman's poetry captures the very essence, what it means. टे पख्तून मुस्लिम ये बहुत ही अहम बात है जो उन्होंने कही है इसके बाद ज़रा आगे चलते हैं कि सबको अपनी जात के आईने में देखा करो सब को अपनी जात के आईने में देखा करो एब्दरमान आलम सब अब्दरमान है देखें कि अपना जो दिल का आईना है उसमें सब कुछ देखो उसमें सब कुछ नजर आता है दिल के आईने में है तस्वीर यार जब गर्दन झुकाई तो देख ली तस्वीर यार जो है वो रब की तस्वीर इश्क की तस्वीर वो अंदर सब कुछ इंसान के अंदर सब कुछ होता है और इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर कितने फ़ीसद गंदगी है और कितने फ़ीसद मेरे अंदर सफाई है कितने मेरे अंदर शर की कुत है और कितनी मेरे अंदर ख़ैर की क़वत है ये एक कश्मकश जिद हमेशा साथ साथ मुकाबला चलता है अब देखना ये होता है कि इंसान कितना ताकतवर है कि वो अपने आप पे काबू पा सकता है अगर तो वो शर की कीत पे काबू पा लिया उसने गुमराही की ताकत पे काबू पा लिया तो फिर तो वो चल पड़ा सीधे रस्ते सरातलमस्कीम अगर नहीं तो फिर हुआ गुमराह और जब इंसान गुमराह होता है तो वो बहुत ही खौफनाक होता है अपने लिए भी और औरों के लिए भी और अपने आप को मिसलीड करने वाला भी खुद होता है चाचर रमान बाबा का ये कहना है कि इंसान अपना आप अंदर ठीक करे और अपने अंदर की रहनुमाई जो है उसे समझ के कि ये ऐसी एक सिमत है या दिशा है कि जिसमें मैं जाऊँगा तो ठीक होगी उस पर अपने आप पे काबू पाना ये बहुत मुश्किल बात है ये आसान बात नहीं है ये सूफी कर सकते हैं बहुत बड़े लोग कर सकते हैं तारीख़ में बहुत बहुत बड़े सूफियों के अलावा भी लोग आए जिन्होंने अपने आप पे काबू पाया वो ये बहुत ही कष्ट वाली बात होती है बहुत ही मुसीबत वाली बात होती है ये दुनियावी जो चका है और ये जो आपको सहूलतें और पता नहीं क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं इन इनको ताज करना बहुत मुश्किल बात होती है इसलिए वो इंसान बहुत ही आला और अरफा होते हैं और दूसरों से बहुत ही बेहतर बड़े इंसान होते हैं कि जो अपनी ज़ात पर को मुसर कर लेते हैं फतह कर लेते हैं रहमान बाबा ने अपनी गज़ल के मकता में मसून ये कहे कि ए रहमान ये तुम्हारा शेर है या कोई एजाज़ जिस पर कोई भी मुनकर या नक़ाद उंगली उठाने की जरूरत नहीं कर सकता चुनाचे ये ऐसे ही है कि जैसे मियाँ मोहम्मद ने कहा वार शाह मैं में बारे कि उनके कलाम पे कौन उंगली उठा सकता है चुनाचे ये हम थोड़ी मेरे ख्याल में इतनी कंसेशन हमें देने पड़ती है और ये भी जो बात करते हैं ये एक समझें कि एक इन्हें लाइटर वैन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना लतीफ़ लतीीफ़ में ये बात करते हैं हर पश्तून ख़्वादा और ना नाख्वादा मर्द जन को रहमान बाबा के अशार अजबर याद हैं और जैसे मैंने कहा कि मज़दूर से लेके कर तक खुजरों में और मजसों में महफलों में जहाँ भी कोई आलम यहाँ पे आलम अनोार से ताल्लुक रखने वाले लोग और अकाबरीन आते हैं वो उनके उनकेशार को मुहावरा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उस पर फ़्र और बड़ाई महसूस करते हैं एक सच्चे और ऊंचे फ़नकार के फ़न में उनकी शख्सियत की झलक भी नज़र आती है और एक मै आपको एक उनकी फसाहत बलागत के हवाले से कि किस तरह उसमें उनका एक समंदर मौज़न है मैं एक आपको बताता हूँ कि अपनी खूबी की बदौलत मुझे बाथाओं की कोई परवाह नहीं वो अपनी नरम की वजह से मैं पानी की तरह मैं पानी की तरह आग के लिए सज़ा हूँ कि जैसे आग को पानी ही बुझाता है तो मैं पानी की तरह आग के लिए सजा हूं मेरी मिसाल उस आईने की तरह है कि जिसमें किसी रियायत के बगैर हर एक को अपनी शक्ल नजर आएगी कि उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है उसमें कोई क्लास नहीं है उसमें उसमें कोई वडेरा को बिग कैपिटलिस्ट और कोई एलिटिस्ट कोई ब्यूरोक्रेट कोई दूसरे लोग नहीं है उसमें सभी लोग एक लेवल के एक सतह के रिस्क हलाल कमाने वाले मज़दूर किसान ये लोग शामिल हैं कि जो आ, उस एक ख़ास लाइन जो होती है उसके नीचे होते हैं चुनाचे के ये बहुत ही अहम इसका मैं समझता हूँ कि इतना कमाल का इनका ये शेर है कि मेरी मिसाल के आग के लिए सज़ा हूँ और मैं तो एक आयना हूँ कि जिसके बगैर कोई शक्ल नज़र नहीं आएगी कि आईना होना किसी शख़्स का यानी एक रोशन मीनार होना चलें और एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसा फ़र्द कि जिसके बंदा आर पार दे सकता है ट्रांसपेरेंसी शफाफ़पन जिसका उर्दू का बहुत ही गलत तर्जमा हुआ है कि एक शफाफ़पन उसमें मौजूद है कि वो उधर से भी देख सकता है क्योंकि जो आदमी दयानतदार है ईमानदार है जिसके हलाल कमाता है किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करता मुनाफिक नहीं है वो तो शफाफ़ ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल जैसे आजकल बहुत से बड़े मुल्कों में नई एक्सरे मशीन आ गई हैं कि आपको सभी कोई देखा जा सक आर पार देखा जा सकता है सो यही एक आर पार देखने की जो क़वत है वो मेरे अंदर है मेरे मतलब रहमान बाबा नहीं मेरा मतलब ऐसा शख्स कि जो रुश्दो हदायत की बात करता है जो रब से लो लगाने की बात करता है जो इश्क की बात करता है जो रवादारी की बात करता है और जो जनूबी जुनूनी पन और बुनियाद प्रस्सी और इंतहा पंदी के खिलाफ बात करता है चुनानचे ये बिल्कुल साफ़ इशारा तब उन्होंने दिया यही इशारा आज भी उसी तरह से मनतबिक होता है आज के हालात पर उ उस ज़माने में आपको मैंने बताया कि जबर बहुत और उस वक्त के जालिम और जाबर जो, जो लोग थे हुक्मरान थे उ उन पर खुल के तनकीद की जैसे कि सूफी शोरा करते रहे हैं सारे करते रहे हैं। उनका अहद के जबर के तौर तौरे हुक्मरानी को देख इस अहद के जबर के तौरे हुक्मरानी को देख गौर हो दोजक हो पिशावर हो तीनों एक हैं उन्होंने तहसनास कर दिया जैसे वहाँ से आने वाले हमला आवरू ने इस बर सगीर की दर... धरती को तबाह बर्बाद किया इस तरीके से उन्होंने कहा कि इन और ये वाज इशारा है इनके आ, मुगल्स के हवाले से रहमान बाबे की जिंदगी का बेशतर हिस्सा औरंगज़ेब आलमगीर की ऐद हुक्मरानी में गुजरा था और औरंगज़ेब का दौरे शहनशियत शहनशाहत इनतात और जवाल का दौर था बाद का जो जब ये सत्रह सौ सात में जब उनका शहनशाही ख़त्म हुई और औरंगज़ज़ेब की वफात के बाद उनके जानशीनों में शाह आलम के दौर तक भी ये रहमान बाबा जिंदा रहे चुनानचे हिंदुस्तान माशरा तब मुसलसल जद वजहद का शिकार था क्योंकि एक तरफ चूंकि गुरु तेग बहादुर को क़त्ल कर दिया गया गोविंद सिंह के बेटों को जेर हरासत किया गया उसके बाद सिखों की एक शुरू हुई एक अनार की एक और मुगल्स की जो आ, का काबू था ऑफ कमांड वो ख़त्म हो रही थी उनकी रेट ऑफ़ गवर्नमेंट ख़त्म हो रही थी क्योंकि मुख्तलफ़ जगहों में टोलियों में छोटी छोटी हुकूमतें बढ़ रही थी और उनको वो उनको नाकाम करने में वो कामयाब नहीं हो रहे थे कहते हैं कि मैकदे में हिंद के अब शोर और रंगजेब क्या वक्त की आंधी ने इसका जाम उल्टा कर दिया कि वक्त की आंधी ने तो उसको चलता किया उसका जाम उल्टा कर दिया अब क्या शोर होगा उसका रंगजेब आलम का इसके और कुछ चंद बहुत ही अहम शेर हैं से सा ये भी औरंगजेब के ज़ात से था फकीर आलमगीर फकर की थी कुलाह उसकी सर यूं फकीरी को खैरबाद कहा ताज शाही सजा लिया सर पर छोड़ कर तख्तो ताज ऐसी गई फिर फकीरी ना आई उसके घर आसमान ने आसमान ने जो उसके साथ किया और कई मुल्क आए जरे असर नशा इकतदार ऐसा चढ़ा उठ गया दिल से एतरा पिधर शाहजहान को जिस तरीके से कैद किया बाप खुर्रम को कर दिया तेहो तेग इसके बच्चों के भी उड़ा दिए सर सभी के साथ दारा शिको शाह मुराद शाह शुजा रोन डाला बजोर बीजापुर जेरे कब्जा लिया जो नगर हिंस से लेके इनसे लेके किताब पिशावर लाया काबुल को अपने जेर असर नशा इकतदार में सोचा सारी दुनिया हो उसकी दस निगर थुछ थुछुछ थुछुछ। ये उनके मुख्तलिफ़ हवाल से एक थ्रस्ट है उनके कलाम का ये सारा है और फिर ये कि हक ताला उसे नसीब करे हक़ था हिंदुस्तान पर इसका था शब हिंद में वो नूर सहर गोशे गोशे को कर गया रोशन और फिर इंसाफ के उजाले में ना कोई ख़ौफ था ये एक ऐसा टुकड़ा आता है उसमें कि जो उनकी उस वक्त की एक ज़ैनी हालत को उसने बताया लेकिन बाद में जब उन्होंने सब कुछ जो थे मजालिम वो महसूस किए तो फिर उनका जो रुझान था वो बिल्कुल बदल गया रमान बाबा ने हिंद में मुसलमानों की दौलत और सल्तनत की जवाल पर इतनी आश नहीं की जितने जिस जितनी उनके अखलाकी जवाल पर वो कह रहे थे कि हिंद, हिंद पर मुसलमानों की सल्तनत का झंडा अब भी लहरा रहा था लेकिन इनमें अपने इसलाफ़ की अला करदारख ये उसका एक वो ज़िक्र करते हैं और फिर ये कि रमान बाबा जो हैं वो माशरे की असलाह के लिए उनके शायरी में बहुत ही बहुत से अशार ऐसे मिलते हैं जिसमें आद, इतराम आदमियत या तज़ीम बशरीत या इंसान का अरफा वाला आला होना उसके बारे में खुल के इशारे आते हैं कि रहान बाबा ने माशरे के अलाह के लिए अपने कलाम को ऐसे मवसर आले की तरह इस्तेमाल किया जिसका महवर बशरीत के एक मकाम का हसूल था दरअसल अवाम का शायर होना और अपने अशार के ज़रिए उसे प्यारो महबत अखोत मेहनत मशक्क़त रस्क व हलाल और सब्र कनात का दर्श देना ही किसी शायर का की बुराई होती है बदाम ख़ुद उन्हें दुनिया दुनियावी जाहो जलाल और शौकों शान शौकों से नफरत थी वो खानों रईसों और शहनशाहिएत के ख़िलाफ़ थे अपने उनके भाई और करीबी रिश्तेदार उन अज़ीज़ खां का वो एक बड़े अंदाजे में ज़िक्र करते हैं ये मैंने टुकड़ा लिया है आ, पशावर के अच्छे बहुत माने हमारे दान हैं शायर भी हैं डॉक्टर आज़म अज़म उनसे के ख़वानीन और अहल सरवत लोगों के साथ फ़कीरों मलंगों के नाते नामुमकिन हैं कहाँ अजीज़ ख़ान और कहाँ मलंग रमान तो और रहमान बाबा का ये शेर इनके सैकड़ों दीगर अशा की तरह पश्तून आवाम में एक जरबुल बन चुका है बाज लोग ख़ुद कुछ ना कुछ होते हुए हमेशा अपने ऊंचे ख़ानदानों और दौलतमंद बाप और दादा और किशान शौकत के कसीदे हमारे भी जैसे पिजरा सुल्तान बूथ और हमारे भी जो माजी परस्सी है कि जी हम ये थे और हमारे दादा ये थे हमारा ख़ानदान ये था ये हमारे भी एक बहुत ही एक आर्टिफिशियल का एक तसन्न या एक यहाँ पे एक रुझान पाया जाता है फिर एक जगह वो फिर और कहते हैं जो दुल्हन खुद हसीना हो उसकी माँ और नानी की खूबसूरती क्या करेगी क्योंकि दुल्हन तो वही होती है जो खुद खूबसूरत हो अब ये कहना कि जी दुल्हन की माँ बड़ी खूबसूरत है या दुल्हन की नानी बड़ी खूबसूरत है भाई वो तो होंगी तो अगर खूबसूरत है तो आपने किसको जन्म दिया ये तो खूबसूरत नहीं है चुनाच कि जो तो ये कभी कभी वो एक लाइट मूड में इतनी खूबसूरत बात करते हैं कि और उसके अलावा फिर दोबारा भाई कि वो जो इंसान का एक तकबुर होता है ना और सरकशी गरूर ये ना तो रब को पसंद है ना किसी सूफी शायर क्योंकि ये तो उनके सबसे पहले यही होता है कि अपने अंदर का तकबर गरुर ख़त्म करो फिर उसके बाद कोई बात करो अपना अंदर यही साफ़ करना होता है अपने आप को ट्रांसपेरेंट आईना तभी बनाना होता है जब ये तकबर अपना ख़त्म करो ये क्या है कि किसी चीज़ का भी तक, इल्म का तकबर जिसे कहते हैं ना एरोगेंस ऑफ नॉलेज ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है कि जो कह के जी जो एक ह्यूमिलिटी में होता है मैं आपको बताऊं ये मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है मैं बहुत घूमा हूं सारी दुनिया में बहुत यूनिवर्सिटी में गया पढ़ा लेक्चर दिए कि जो शख्स बहुत ही पढ़ा लिखा बहुत ही कमिटेड बहुत ही प्रोफाउंड गहरा होता है वो बहुत ही उसमें इनके होता है बहुत ही हम्बल होता है और जो शख्स थोड़ा सा पढ़ा होता है वो क्या कहते हैं थोदा चना बाजे घना क्या है भाई क्या है कोई अच्छा <laughs> तो वो एरोगेंट होता है इसलिए कि उसे अपने इल्म की एक इन्फीरियारिटी कॉम्प्लेक्स होता है चुनाचे किसी भी बड़े शख्स की निशानी है तो वो हमेशा हम्बल होता है ये मेरा एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है अच्छा उसके बाद एक और आपको मैं उनका बहुत ही खूबसूरत इसी तकबर और गरूर और सरकशी के हवाले से मैं सुनाऊँ कहते हैं कि यूँ अपने गरूर और सरकशी के बल आसमान की तरफ सर उठाकर चलने वाले कभी ये भी सोचा है कि तुम्हारी पैदाइश और असलियत ज़मीन से है इस मिट्टी से है इस धरती से है उस ज़मीन और मिट्टी से कि जिस पे अब तू बड़ा इतरा के चल रहा है और मुशरे में ऊँच नीच और तबकाती नज़ाम पर तनकीद करते हुए वो बतौर एक सोशल रिफ़ार्मर के और बतौर एक बहुत ही बड़े प्रोग्रेसिव शख्स के वो सामने आते हैं कि वो तमाम वो खाना जिसे तू मज़े ले लेकर खाता है और दूसरा उसे तरस कर तरस कर देखता है मेरे नज़दीक वो तेरे लिए जहर के मानत है कि तू अगर ये जो कुछ कर रहे और तेरे साथ जो बैठा हुआ शख्स है ये वही ईंच नीच वाली बात ये वही डायलैक्ट जो है मुख्तलिफ हमारे जो नज़रियात हैं उसके हवाले से ऊँच ऊँच है डायलैक्टिक मटेरियलिज्म और क्या होता है यही तो होता है। इस्लाम में भी, भी मसाबात का यही एक कॉन्सेप्ट है ऊँच नीच का तो है ही नहीं कि वो भी तो है कि सभी लोग एक बराबर होते हैं उसमें कोई तफरीक नहीं होती है रमान बाबा का दौर एक मुआशी सियासी और सकाफती बुरान था जैसे मैंने पहले कहा सब तरफ रियाकारी तंग नजरी मुनाफ्त का दौर था इस हालत में उन्होंने ये जो कुछ लिखा ये उसका एक रद्दमल था एक प्रोटेस्ट थी एक डिसेंट थी और एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एहतजाज था एक बगावत थी कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता हूँ मैं इसको इससे इनकार करता हूँ और मैं एक अरफा और आला इंसान के तौर पर जीना चाहता हूँ और दूसरे लोग जो हैं वो भी मैं चाहता हूँ कि वो ही भी इस तरीके से जिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि इंसान ही इंसान का दोस्त है और इंसान ही इंसान का दुश्मन है ये इंसान जो है इसकी बहुत जहतें होती हैं और ये खुद ही आपको डसता है और खुद ही आपका रहनुमा होता है और आखिर में मैं, मैं सिर्फ़ आपको एक चीज़ ज़रूर सुनना चाहूँगा कि जो सारे सूफी शायर कहते हैं बेसबाती दुनिया की बेसुबाती कि यह दुनिया नहीं रहेगी तो ना इतना अकड़ अकड़ के चालीस धरती पर वो है चाहे मेरा हज़ार शहर बसाऊँ जहाँ में चाहे हज़ार शहर बसाऊँ जहाँ में अंजाम फिर यही है कि खाना ख़राब हूँ दुनिया कसाब खाना है यारब मेरे लिए ये बस्ता सादा में पेश एक कसाब है कसाब के सामने मैं हूँ आखिर में मैं जो एक तस्वुफ़ के हवाले से वैसे तो जो कुछ उन्होंने कहा वो तसवुफ़ था लेकिन ख़ास मैं उनकी जो गज़ल है जिसमें हर एक लफ्फ़ में तस्वुफ उबर के आता है और प्रोफेसर ते खान ने उसको बड़े दिलकश अंदाज में तर्जमा किया है बाजार मोहब्बत में करे सर का जो सौदा हम जैसा ख़रीदार तेरा कोई ना होगा मैं तेरे जफाओं पे भी हो जाता था रजामंद शबनम की तरह अश्क से गुंचा नहीं खुलता और मेरे ख़्याल में कि मैं काफ़ी चीज़ें रहमान बाबा के बारे में आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ इतने बड़े शायर के बारे में इतने बड़े शख़्स के बारे में इतने बड़े सूफी के बारे में ये इसे कह लें कि खराज अक़ीदत ही है कहने को तो पता नहीं आदमी बोलना शुरू करे ऐसे लोगों को तो पता नहीं घंटों भी बोल सकता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया दो तीन सवाल कोई साहब अगर करना चाहें जी फरमाइए मेरा आपसे ये सवाल है कि सूफिया क़राम ने जो इनफरादी मसाइल हल करने के लिए तरीका इख्तियार किया उसको तो हम जानते हैं उसको सलूक का नाम देते हैं लेकिन आज के दौर के जो इज्ती माशरती मसाइल हैं एक अजीब सी अदम एतमाद की फ़िज़ा और तहफ़ का एहसास बेयकनी की फजा, इन इज्तमाही मसाइल के हल के लिए हम किस तरह से सूफीज़म से इस्ता कर सकते हैं देखिए बात यह है कि जब फ़र्ज जो है वो संभल जाएगा तो उससे मुआरह खुद खुद जो है ना वो सुलझ जाता है अब अगर सूफ़ी कहते हैं कि ये सलूक की बात किया आपने कि फ़र्द कैसे संभल सकता है जो गुमराह होता है या कुछ तो जब फ़र्द के बारे में वो कहते हैं तो वो एक कलेक्टिवली इजमाही तौर पे मुशरे की बात करते हैं लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरा जो हमारा मुआरह है इस वक्त और जिसके कुछ मसाइल इस हवाले से बहुत ही पैदा हो रहे हैं उनके लिए जो एक मजमू तसर है या मजमू फिलासफ़ी है सूफ़ी पोइ्स की जो अबी रहमान बाबा के बारे में मैंने कहा उसको अगर आप एक क्रीड बनाकर और ये जान के कि ये हमारे जो इल्स हैं जो मुश्किल हैं उनके लिए ये इलाज साबित हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये एक बहुत ही अहम हथियार का लफ्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ हालांकि ये सूफियाना है लेकिन एक ऐसा हथियार है कि जिस जो इस्तेमाल करके तो हम बहुत सी जो ऐसी कुवतें हैं शर की और इन्तहा पसंदी की उनको रोक सकते हैं रूहानियत एक स्कूल ऑफ थाट है और तमाम मजाहब में इसके मतलब मखसूस किस्म की इबादत भी हैं मैं बात कर रही हूँ कि सहज माग निज़ाम जो मुतार्फ़ कराने वाले थे श्री राम इनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जहाँ पे मज़हबी हदूद खत्म होती हैं वहाँ से रूहानियत शुरू होती है क्या खत्म होती है जहाँ मज़हबी हदूद खत्म होती हैं वहाँ से रूहानियत शुरू होती है और ये बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है आज भी उनके चारी जी उनके सदर हैं इंडिया में और मुझे एक और बात इस जीवन में ये करनी है कि वो जो ये प्रचारक हैं और ये बहुत उनकी जो तालीम हैं उससे इस्तफादा करने वाले जो उनके प्रिसेप्टर्स हैं उनमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है देखिए बात सुने ये आपने खुद ही कह दिया कि पहचान तो एक ही है ह्यूमैनिज्म की और उसमें तो जब यह लफ्स इंसान दोस्ती का आता है तो उसमें तो कोई तफरीक नहीं है अब शाह लतीफ़ बटाई का मज़ार हो निज़ामुद्दीन अलिया का हो अजमेर में चिश्ती का मजार हो हज़रत चिश्ती का मज़ार हो वहाँ पे मुसलमान हिंदू बौद्ध सिख सभी लोग वहाँ पे जाते हैं ये तो एक उनका सेकुलरिज्म जो है उसका एक मज़र है कि वहाँ पे सब लोग जाते हैं हमारे भी ऐसे होता है सारा कुछ दाता दरबार भी देख लें और भले शाह के देख लें वहाँ सचल के भी देख लें चुनाच एक तो ये है कि ये बुनियादी तौर पर इंसानियत का सबक सब देते हैं जितने भी हैं जो इंसानियत का सबक नहीं देगा वो सूफी कहाँ से होगा नंबर एक नंबर दो कि ये तक़सीस या ये लाइन ऑफ डिमार्केशन बड़ी मुश्किल है कि भाई मजहबी हवाला कहाँ ख़त्म हो के रूहानियत बहुत चीज़ें गटमट होती हैं वो इतनी कन्फ्यूज़ होती हैं कि उनको अलग अलग करना एक आपके पास गुंजल पड़ा हो धागे का उसमें से सिरा निकालना बहुत मुश्किल होता है इसलिए मेरे ख़्याल में कि इस सिलसिले में कोई हतमी राय तो मैं कम अज़ कम नहीं दे सकता हूँ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया